जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं सीईओ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो आज हमारा देश दुनिया को सबसे ज्यादा सीईओ देने वाला देश बन गया है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में जितने भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या आईटी कंपनियां हैं, उस सब में अधिकतर भारतीय का ही सीईओ है। आखिर सीईओ कहते किसको हैं? क्या है सीईओ? चलिए आज का वीडियो में हम जानने का कोशिश करते हैं। तो वीडियो दोस्तों पूरा देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आता है फाउंडर। फाउंडर उसको बोलते हैं जिन्होंने कंपनी को बनाया है। उसके बाद आता है कंपनी का सीईओ। सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ मतलब होता है सबका हेड, और एग्जीक्यूटिव मतलब होता है उसका कार्य, और ऑफिसर का मतलब कर्मचारी। कंपनी में वो कर्मचारी जो पूरे काम को हैंडल करता है, यानी जितने भी उस कंपनी में कार्य होगा सब उसी के अंडर में होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए पूरा क्लास, कोई एक क्लास है वो कंपनी है, उसमें जो टीचर है वो उसका फाउंडर हो गया, और वही जितना भी क्लास में स्टूडेंट है वो सब मान लीजिए उसका वर्कर हो गया, और उसी में से जो सबसे टैलेंटेड होता है उसको एक मॉनिटर बना दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसी तरह कंपनी में भी उसमें जितना भी टैलेंटेड होता है उसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया जाता है, और वही जो सीईओ होता है उसी के अंडर में पूरा कंपनी का कार्य होता है। जितने भी कंपनी में कार्य होंगे सब उसी के अंडर में होंगे, यानी कंपनी में जो हेड होता है वो सीईओ ही होता है। तो आज हम बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़ी कंपनियां जिसका सीईओ एक भारतीय है। नंबर 5, अरविंद कृष्णा। ये यूएस का एक कंपनी है, आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का सीईओ है। इन्होंने आईटीआई कानपुर से बीटेक किया, और इन्होंने अर्बना इलोयंस यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पीएचडी किया, और ये 6 अप्रैल 2020 में सीईओ बन गए। नंबर 4, संतानु नारायण। ये एडोब इंक एक यूएस कंपनी है जिसका अभी सीईओ है। ये हैदराबाद के रहने वाला 2007 से ही एडोब इंक का सीईओ है। इन्होंने हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी से अपने प्राथमिक पढ़ाई पूरी की, उसके बाद कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जाके MBA की डिग्री हासिल की, उसके बाद 2007 में सीईओ बन गए। नंबर 3, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्राग अग्रवाल। ये हाल ही में ट्विटर का सीईओ बना है, और इन्होंने IIT बम्बई से BTech का डिग्री प्राप्त किया है, और वह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल की, और उन्होंने 2011 में ट्विटर ज्वाइन किया, और 2018 तक सीईओ के लिए कार्य किया। फाइनली 2021 में वह ट्विटर का सीईओ बन गया है। नंबर 2, सत्या नडेला। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है। मंगलोर यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का डिग्री हासिल किया, और इन्होंने स्कॉर्निश यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल किया, और बाद में इन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी से MBA का डिग्री हासिल की। इन्होंने 2014 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में ज्वाइन किया, और फाइनली 2021 में सीईओ बन गए। नंबर 1, सुंदर पिचाई। जी हाँ दोस्तों, ये अभी गूगल का वर्तमान सीईओ है। इसका उम्र 49 वर्ष है, और इन्होंने IIT खड़गपुर और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की, और 2014 में इन्होंने गूगल को ज्वाइन किया। उसके बाद गूगल के फाउंडर लेरी पेज के जगह 10 अगस्त 2015 को इसको सीईओ बना दिया गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे इंडिया में उच्च शिक्षा ग्रहण करके और विदेश में जाके बड़े बड़े पद में स्थापित हैं। ऐसे ही बहुत ही जल्द हम लोग का जो विश्व गुरु बनने का सपना है वो लग रहा है बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। बहुत ही जल्द हम लोग विश्व गुरु बन के उभरने वाले हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।